कैसे हो भाई लोग? तो देखो आज है 17 नवंबर और आज ही स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आया है, हाँ सुबह सुबह, और उसके ऊपर रिएक्शन या फिर एक्सप्लेन वीडियो बनाने के बदले मैं डोंट लुक अप हाँ इस मूवी के ट्रेलर की ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अरे पागल है साला, तुम समझ ही सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है। और तुम सब भी तो समझ रहे हैं इसके अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो और हम सब की प्यारी जेनिफर लॉरेंस है। हाँ हाँ, मतलब तुम समझ रहे ना क्यों। तो खैर तुम्हारे अंदर भी धीरे धीरे अगर इसके लिए इंटरेस्ट पैदा हो रहा है तो बने रहो वीडियो के अंदर, बहुत मजा आने वाला है। ट्रेलर के स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिलता है कि इस मूवी का स्क्रीन प्ले, स्टोरी और इसका डायरेक्शन सब एडम मैकले ने किया है। हाँ, नाम थोड़ा ओपन ही तो देख लेना। और हाँ, इनकी कुछ अच्छी मूवियां भी रही हैं जैसे कि द बिग शॉट एंड वाइस, जो दोनों मैंने नहीं देखी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बट हाँ, इनकी कुछ मूवियाँ देखी है जो कि काफी अच्छी थी जैसे कि एंट मैन और द डिक्टेटर। इनकी मूवीज को देखने के बाद तुम समझते हो कि इसकी मूवीज का टोन कैसा होता है, लेकिन इनका टोन कुछ थोड़ा सा ह्यूमर होता है एंड लाइक अ काइंड ऑफ अ डार्क ह्यूमर होता है, पर हर मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक होता है। जैसे बैड ब्लड और डिक्टेटर, तुम्हें पता है डिक्टेटर कैसी मूवी थी राइट, वो थोड़ी सी क्रिंज थी बट स्टिल लोगों को बहुत पसंद आती थी क्योंकि उसके अंदर जो फनी सीन्स थे, जो कॉमेडी थी, वो लाइक एक यूनिक वे में काफी अच्छी थी। और इवन ट्रेलर को देखने के बाद भी तुम समझ सकते हो कि इस मूवी के अंदर भी काफी अच्छी तरह से डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो एक बेस्ट एक्टर है, तुम्हें पता ही नहीं। क्यों मैं ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो इसके अंदर मेन कास्ट के अंदर हमको लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस देखने को मिलते हैं। और अगर बात लियोनार्डो डिकैप्रियो की करें तो खैर तुम सबको जानते ही हो कि हर 2-3 साल में एक मूवी आती है और वो सालों साल चलती जाती है। खैर इनकी लास्ट जो मूवी मेरे को अच्छी लगी थी आई गेस वो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। और तुम्हें पता है इनकी मूवी का टोन, आई मीन दैट्स फकिंग इनसेन, इसकी डिकैप्रियो की एक्टिंग फकिंग इनसेन, तो तुम्हें पता है। खैर अगर मूवी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो इस मूवी में थोड़े से चाबी हैं, मोटे से हैं और लाइक काइंड ऑफ अपने लेट 40s या फिर 50s के अंदर जी रहे हैं और ऑफ कोर्स वो एक एस्ट्रोनॉट। खैर उनके चाबी होने का रीजन तो मुझे समझ नहीं आया, आई गेस कुछ खास रीजन होगा भी नहीं, बट वो सब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, नो जज। और अगर बात करें हम हमारी जेनिफर लॉरेंस तो उनको कौन नहीं जानता, अब बात हो हंगर गेम्स की हो या फिर एक्स मैन की हो, उनको हर कोई जानता है राइट। उनकी वो एक्टिंग के कोल्ड एक्सप्रेशन और वो अदाएं, आई मीन वो आग ही लगा देती है, समझ रहे बात को? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और मुझे पता है तुम भी जेनिफर लॉरेंस के बहुत बड़े फैन हो, आई मीन बहुत बड़े बड़े फैन हो। मैं एक्टिंग की बात करूँ तो खैर अगर इसके प्लॉट की बात करें तो दुनिया खत्म हो रही है और हमारे मेन हीरो हीरोइंस को दुनिया को बचाना, दैट्स फिनिश दी एंड। आई एम जस्ट किडिंग ओके, मतलब कुछ है तो ऐसा ही बट थोड़ा डिफरेंट है। तो एक कॉमेट है जो कि जिसको प्लैनेट किलर के नाम से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मूवी के अंदर और वो अर्थ की तरफ आ रहा है और उससे अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इस मूवी के अंदर हमारे मेन लीड के अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस जो कि दोनों के दोनों एस्ट्रोनॉट है, उनको ये बात पता चलती है। उसके बाद वो US गवर्नमेंट को चीज बताते भी हैं बट उसके बाद भी उनको बहुत ज्यादा हल्के में लिया जाता है और बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाता इस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को। और तुम्हें पता है ना कि स्टार्टिंग में कोई विश्वास नहीं करता फिर एंड में जाके सबकी फटती है दबा के। हाँ, तो कुछ ऐसा ही मूवी के अंदर भी होता है जैसा हमको ट्रेलर के अंदर देखने को। लेकिन मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ यार इन चीजों पर कोई विश्वास कैसे कर सकता। अगर तुमको याद हो तो तुम्हें पता है ना 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, मतलब हुई क्या, ऐसा ही कुछ थी। इवन मैं तुमसे एक और चीज बताता हूँ जो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस करी। जैसे ट्रेलर शुरू होता है ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही स्क्रीन पर लिखा आता है Based on real events. और उसके 2 सेकंड बाद लिखा आता है Which hasn't happened yet. मतलब अभी तक नहीं हुए कुछ ऐसा लिखा है। और वो पढ़ने के बाद मैं अपनी 69 IQ से सोचने लगा कि इसका मतलब क्या है, या तो वो रियल इवेंट्स हो चुके हैं या फिर वो होने वाले हैं, तो वो रियल कैसे हुए, what the fuck? मतलब कुछ ऐसा ही मैं कंफ्यूज हो गया था। और आई गेस ऐसे ही इस मूवी के अंदर वो गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो जाएगी जब तुम उन्हें बताओगे कि दुनिया तबाह होने वाली है, बिकॉज़ यार वो भी हॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे राइट, और हर दूसरी मूवी में दुनिया तबाह हो रही होती है। खैर इस मूवी का सबसे अच्छा की पॉइंट मुझको लगा डार्क कॉमेडी। हाँ, इस मूवी के अंदर डार्क कॉमेडी उनको ट्रेलर के अंदर देखने को बहुत ज्यादा मिल जाती है कि यू नो लाइक कैरेक्टर्स ऐसे फक्ड अप सिचुएशन के अंदर होते हैं बट स्टिल एक वियर्ड सा जो कहीं कोने से उड़ता हुआ आ जाता है और तुम्हारे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ले आता है, दैट्स द फकिंग डार्क कॉमेडी। एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने ट्रेलर के अंदर नोटिस करी कि एक पॉइंट पे जब सभी के सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस कॉमेट का क्या करा जाए जो पूरी की पूरी दुनिया को भी तबाह करने वाला है, तो वहाँ पे इस टॉपिक को भी डिस्कस करा जा रहा होता है कि इस कॉमेट के अंदर 30 ट्रिलियन वर्थ का मटेरियल है। और जब कोई बोलता है कि जब दुनिया तबाह होने वाली तो तुम क्या करोगे इतने पैसों का भी, फिर बीच में से आवाज आती है ओह नो व्हाट इफ वी आर रिच, दैट वुड बी टेरिबल। मतलब तुम समझ रहे हो कि गांड फटे तो फटे मगर नबा भी ना घटे, हाँ उस मीम का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। खैर इस ट्रेलर का रिव्यू काइंड ऑफ एन रिएक्शन वीडियो, हाँ मुझे पता है मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं करा चीजों को बिकॉज दिस मूवी वाजंट लाइक दैट राइट, तो मतलब वो भी
कास्टिंग है, मसालेदार है, उस हिसाब से देखना था। हाँ, ये मूवी दोनों की दोनों कैटेगरीज में आती है, इसके अंदर तुम थोड़ी फैन थ्योरीज भी बना लोगे और एट द सेम टाइम तुम पॉपकॉर्न लेके मसाला मूवी की तरह भी इसको बिंज कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जिसकी तरह साथ बिंज करो। तो यप, यही थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और हाँ, जाने से पहले हमारे एनिमे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, हाँ, जो कि यही चैनल है, बिल्कुल इसी पे एनिमे की वीडियो भी आती रहती है। और अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो भरे दिल से धन्यवाद, मेरे घर का भी आना, चाय पिलाऊंगा पक्का। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।